गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो बायोलॉजी की क्लास है वो हम करेंगे, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी की क्लास, जिसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी से रिलेटेड वो कवर करेंगे। वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, जो पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, और जो पूछे जा सकते हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ आपको चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि विटामिन से होने वाले जो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं, ठीक है, और जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण होने वाले जो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइस जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैस्मीन, अनूप, शफी, वैशाली, दीपिका, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उमीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल भी जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम काम की बात करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन्स, उनके डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है, उनके केमिकल नेम और सोर्सेज, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपसे हर तरीके से पूछा जा रहा है। विटामिन्स वाले सेक्शन से आपसे डेफिशिएंसी डिजीज का नाम देकर, ठीक है, विटामिन का नाम पूछ लिया, ठीक है, या फिर आपसे जो है विटामिन का जो केमिकल नेम है वो दे दिया, वो फिर आपसे पूछा कि किस विटामिन का वो नाम है, या फिर विटामिन का नाम देकर और आपसे उसका केमिकल नेम पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे सारे कवर कर लेंगे। सो विटामिन ए जो है ये आपका, इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रेटिना, रेटिना क्या होता है? आंख में होता है आपका, ठीक है, तो रेटिना, रेटिनॉल, इसे याद रहेगा। और क्योंकि ये आई से रिलेटेड है तो नाइट ब्लाइंडनेस इसका डिफिशियंसी डिजीज है, और इससे इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ भी होता है। यस राहुल, बी और सी की डिफिशियंसी पे काफी सवाल आए थे, बिल्कुल, इसीलिए हम लोग ये विटामिन वाला पूरा सेक्शन कवर करा रहे हैं। मे बी किसी और विटामिन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोर्सेज से भी क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा सकता है ना। तो विटामिन ए का जो रिच सोर्स है वो क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, गुआवा, मिल्क, नट्स, ठीक है, कैरेट, ये सभी आपके मेजर सोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी वन जो है, इसका जो केमिकल नेम है इसे थायमिन कहते हैं, थायमिन इसका केमिकल नेम है, और इससे डिफिशियंसी डिजीज कौन सा होता है? बेरी बेरी, ठीक है। अच्छा, फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटोज, पीज, कॉर्न और फिश जो है इसके मेजर सोर्सेस हैं। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, केमिकल नेम इसका राइबोफ्लेविन है। इसकी डेफिशिएंसी कारण कुछ स्किन के डिजीजेस होते हैं, या फिर रिटार्डेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ सही से नहीं होती है। और बनाना, एलमंड्स, मशरूम, ग्रेप्स और स्पिनच, ठीक है, ये सारे इसके मेजर सोर्सेज होते हैं, ठीक है। विटामिन बी थ्री की हम बात करें, इसका जो केमिकल नेम है वो है नियासिन, और इसके डिफिशियंसी की वजह से पेलेग्रा होता है, इसकी वजह से स्किन इफेक्ट होती है, आपका एलिमेंट्री कैनाल और जो नर्वस सिस्टम है इन सब पर असर पड़ता है। तो जो आपके होल सीरियल्स हैं, ठीक है, पूरे जो आपके अनाज हैं और आपका टोमेटोज, पोटैटोज, मीट और फिश, ये इसके मेजर सोर्सेस हैं, ठीक है। विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है, बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होता है, और ये आपका माइंड जो है अच्छे से काम करे, ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। सो आजकल देखने को मिलता है कि विटामिन डी और विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी लोगों में बहुत बढ़ गई है। यस, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और विटामिन बी ट्वेल्व जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को पता नहीं होता है ज्यादातर। सो विटामिन बी ट्वेल्व जो है इसका केमिकल नेम क्या है? सियानोकोबालमिन, ठीक है, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से देखिए एनीमिया होता है। और एग, योगर्ट, लिवर और फिश, ये इसके कुछ मेजर सोर्सेस हैं। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी पे क्वेश्चन आया था, विटामिन सी का जो आपका केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, जो आपके गम्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, उनमें से खून निकलने लगता है। सो ब्रोकली खाइए, गोट मिल्क पीजिए, विंटर स्क्वैश और आपका जो फ्रेश फ्रूट्स हैं ये सब खाने से विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। विटामिन डी की हम बात करें तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है ये कैल्सीफेरॉल है, आई थिंक इसकी केमिकल नेम पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, और इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, यानी कि आपकी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है ना, हम लोग जो धूप नहीं लेते हैं ना, पूरा टाइम हम लोग अंदर रहते हैं,
ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो धूप लीजिए, सबसे अच्छा स्रोत तो आपका सनलाइट है। इसके अलावा फिश, एग, लिवर ऑयल, चिकन ब्रेस्ट, चीज, ये सभी जो है इसकी मेजर सोर्सेस हैं। ठीक है, सो हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाता है, ब्रिटल बोन्स हो जाती है। नेक्स्ट इज विटामिन के, इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। और एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, जब चोट लगती है तो उसकी वजह से ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है इसकी डेफिशिएंसी के कारण। तो बेसिकली विटामिन की आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो जब आपको चोट लगी, छोटी सी चोट में भी बहुत ज्यादा खून बढ़ेगा। ठीक है, ओके। सिमी कह रही है B12 पे भी क्वेश्चन था। यस सिमी, बिल्कुल क्वेश्चन था। ओके, सो जैस्मीन, अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो देर आर वेरियस सोर्सेस जिससे आपका जो विटामिन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो टोमेटोज, ब्रोकली, चेस्टनट, कॉलीफ्लावर और ग्रेप्स से आपकी वो कमी पूरी हो सकती है। विटामिन ई की हम बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल्स है, और ये इसकी डेफिशिएंसी होने के कारण नर्व और मसल डैमेज होता है, फर्टिलिटी जो है लेस हो जाती है, लेस फर्टिलिटी होती है। ठीक है, तो विटामिन बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो नर्व और मसल को डैमेज से बचाने के लिए। तो नट्स, पम्पकिन, सनफ्लावर सीड्स, मिल्क नट्स, ये सभी इसकी मेजर सोर्सेज हैं। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो आपके कुछ ऑयल आते हैं, है ना, जैसे आलमंड ऑयल है तो उस पर विटामिन ई लिखा होता है, कुछ आपकी जो है बॉडी लोशंस आते हैं जिसमें विटामिन ई पे और बादाम वहां पे छपा होता है। तो बेसिकली जो नट्स होते हैं दीज आर अ गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, वहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कैल्शियम की हम बात करें तो कैल्शियम जो होता है ये आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, बोन्स पे असर पड़ेगा, ब्रिटल बोन्स होंगी, ठीक है, कमजोर हड्डियां हो जाएंगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। ठीक है, जो है अगर आपको चोट लगेगी तो बहुत ज्यादा खून बहेगा और आपके जो टीथ हैं वो डिफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, टीथ भी आपके कमजोर हो जाएंगे। तो चीज, मिल्क, एग, ओकरा, डेट्स और सीरियल्स जो है इसके मेजर सोर्सेस हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी जो होता है आपके टीथ और बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसकी डिफिशियंसी से बैड टीथ और बोन्स हो जाते हैं। सो पोमेग्रेनेट फ्रूट्स, बीन्स, बीफ, नट्स, फिश, ये सभी जो है फॉस्फोरस के मेजर सोर्सेस हैं। ठीक है, आयरन की हम बात करें तो आपको सबको पता ही है आयरन कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और भारत में जो आपके जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, काफी परसेंटेज जो है छोटे बच्चे का वो एनेमिक है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, और जो ओल्ड एज लेडीज भी हैं, तो वहां पर देखा गया कि एनीमिया जो है वहां पर केसेस काफी देखे गए हैं, दी दोज आर एनेमिक। तो इंडिया की गवर्नमेंट का ये भी एक मेजर क्या कहते हैं टारगेट है कि भैया एनीमिया को कम से कम करना है। तो इसीलिए जो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हैं, जिंक टैबलेट्स हैं, आयरन की टैबलेट्स हैं, ये सब भी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स के द्वारा। ठीक है, सो आयरन की कमी पूरी की जा सकती है कैश्यूज, बीन्स, स्पिनच, बेक्ड पोटैटोस खाने से। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें आयरन होता है, सबसे ज्यादा पालक में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन कमी से गॉइटर होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, वहां पे सूजन हो जाती है। ठीक है, यस अनूप, फॉस्फोरस होता है बनाना में, राइट, ओके। फिश, योगर्ट, ब्रेड, सीरियल, सी फूड, ठीक है, तो इसमें खाने से जो है आपकी गॉइटर जो है नहीं होगा, आयोडीन की कमी पूरी होगी। और टाटा नमक है ना, सो टाटा नमक में आयोडीन है ही, तो दिक्कत नहीं है कोई भी, तो टाटा नमक खाइए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कॉपर, तो कॉपर जो है ये इसकी कमी से क्या होता है, लो एपेटाइट यानी भूख कम लगना और सही से ग्रोथ ना होना, रिटार्डेड ग्रोथ होना, ये सभी कॉपर की डिफिशियंसी डिजीजेस हैं। फिश, बीन्स, मशरूम, डार्क चॉकलेट और पोटैटोस खाने से कॉपर की कमी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट इज पोटेशियम, पोटेशियम जो है ये आपका नर्वस डिसऑर्डर होता है इसकी डिफिशियंसी के कारण, ठीक है, पुअर मसल कंट्रोल लीडिंग टू पैरालिसिस, तो पैरालिसिस तक हो सकता है अगर पोटेशियम की कमी जो है आपकी बॉडी में हो जाएगी। तो बेसिकली जो आपका ब्लड होता है इसमें बहुत सारे जो है आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपका जो पूरा बॉडी का बैलेंस होता है, मसल कंट्रोल, ठीक है, नर्वस सिस्टम को पूरा अच्छे से चलाते हैं, आपके जो हार्ट है, हार्ट मसल्स, ये सब इनको प्रॉपर कंट्रोल करते हैं, इन सब का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनकी कमी से जो है ये चीज आपको
हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पोटेशियम आपको मिलेगा वेजिटेबल्स, मोलासेस, बनाना और डेट्स खाने से, यानी जो खजूर होते हैं आपके। मैग्नीशियम की कमी से हार्ट और वेस्कुलर इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, ब्लड वेसल्स जो है आपकी डायलेटेड हो सकती हैं, मसल का कोऑर्डिनेशन कम हो सकता है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, होल ग्रीन, ये सभी जो है मैग्नीशियम के आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। ठीक है, क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन जो है वो आपका, अगर क्लोरीन की कमी होती है बॉडी में तो वॉमिटिंग और हाइपोक्लोरमिक एल्केलोसिस हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल आपका जो नमक खाते हैं आप, नमक में क्या होता है, कॉमन सॉल्ट आपका क्या होता है, NaCl होता है। तो यहाँ से आपको सोडियम और जो क्लोरीन है दोनों ही आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो जैसे आपने नोटिस किया होगा कभी, जैसे आप पूरे दिन अगर नमक नहीं खाते हैं तो क्या होता है, आपको ऐसे लो बॉडी में लो ब्लड प्रेशर फील होता है। ठीक है, और आपको मतलब सुस्त लगता है। ठीक है, तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन का जो आपकी कमी हो जाती है बॉडी में, सो क्लोरीन भी एक जो है यहाँ पे मेजर जो आपका सोर्स मतलब इम्पॉर्टेंट एक मिनरल है जो आपकी बॉडी को चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कुछ प्लांट डिजीज की हम बात करते हैं। एक दो आपके इम्पोर्टेंट प्लांट डिजीज है, जैसे कि सिट्रस कैंकर है, ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ये एयर से फैलता है। ऐसे आपने सुना होगा एक रस्ट ऑफ वीट सुना होगा, सो रस्ट ऑफ वीट जो है ये आपका फंगाई के कारण होता है और ये एयर और सीड से फैलता है। ऐसी ही एक येलो वीन मोसाइक ऑफ भिंडी ओकरा नाम का एक प्लांट डिजीज होता है, ये वायरस के कारण होता है और ये बेसिकली इंसेक्ट के कारण फैलता है। तो यह हो सकता है यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले जाए। रस्ट ऑफ वीट से आपका और किसी और एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज मेथड्स देख लेते हैं कि कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो कॉमन सॉल्ट से किस किस चीज को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे पेस्चुराइजेशन पे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो कॉमन सॉल्ट है इसका जो प्रिजर्वेशन है, इसके किस लिए प्रिजर्व किया जाता है, इससे मीट को प्रिजर्व किया जाता है, फिश, आपके जो पिकल्स होते हैं, ठीक है, मैंगोस, टैमरिंड, ये सभी को कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अच्छा, शुगर से क्या प्रिजर्वेशन कर सकते हैं हम लोग, शुगर से आपका जैम्स प्रिजर्व किया जाता है, जेलीज और जो स्क्वाशेस होते हैं, इन सभी को जो है यहाँ पर शुगर से प्रिजर्वेशन किया जाता है। इसके अलावा ऑयल और विनेगर की हेल्प से आपका पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट को प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से, जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी चीज को आप बॉईल करते हो तो उसमें माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है उसको किल करते हैं, और ऐसे ही अगर कोई चीज को आप रेफ्रिजरेट करते हो तो वहां पर जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स दिया जाता है, इसीलिए हम काफी चीजों को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं या फिर उनको बॉइल करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जैसे 70 डिग्री पे मिल्क को हीट किया, ठीक है, उसके बाद जो है 15 से 30 सेकेंड तक हीट किया, उसके बाद बहुत जल्दी उसको चिल किया, तो उसके कारण क्या होता है, उसमें जो आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं और आपका मिल्क जो है वो प्रिजर्व रहता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन, और ये जो है लुईस पैस्चर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका जो नाम है वो पेस्चराइजेशन रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यस अनु, बिल्कुल सही बात है, इसमें बैक्टीरिया फ्री किया जाता है मिल्क को, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके, जो डिजीज हम देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कारण कौन कौन से डिजीज कॉज होते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए, प्रोटोजोआ के कारण आपके कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो सबसे पहले मलेरिया, मलेरिया आपका प्लास्मोडियम के वजह से होता है और ये ट्रांसमिट किया जाता है फीमेल एनोफिलस से, तो फीमेल एनोफिलस जो है इसका कैरियर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका पायरिया जो है ये आपके गम्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, मलेरिया में आपको हाई फीवर होता है, पायरिया जो है आपका एंटामीबा गिंगिवेलिस के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस ये आपका ब्रेन को अफेक्ट करता है और ये ट्रेपेनोजोमा के कारण होता है, और तिसी तिसी फ्लाई जो है, ठीक है, तिसी तिसी फ्लाई जो है इसका कैरियर है, ठीक है, जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा कालाजर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कालाजर, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है सीएचएसएल में,
कि काला आजर किसकी वजह से होता है, तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और लेस्मैनिया दोनोवानी ये इसका जो है कॉजिंग प्रोटोजोआ है, और सैंड फ्लाइज के थ्रू जो है ये स्प्रेड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि काला आजर जो है वो कौन सी फ्लाइज के कारण स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से आपके मेजर जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से डिजीज कॉज होते हैं। अच्छा, अब बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से हैं। तो आई थिंक एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक शिफ्ट में कि आपको नंबर ऑफ डिजीजेस दिए हुए थे, और पूछा गया था इनमें से कौन सा बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, या फिर वायरस का पूछा था, कुछ इस तरह से पूछा गया था, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। टेटनस जो है ये आपका क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है। कॉलेरा जो होता है ये आपका वाइब्रियो कॉलेरे की वजह से होता है। ठीक है, देन जो टाइफाइड है ये सेल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, देखो अनूप क्या होता है कि जो आपके विटामिन्स हैं मिनरल्स हैं इनकी कमी से तो एक आपका होता ही होता है, लेकिन जो आपके डिजीजेस कॉज होते हैं वो भी तो किसी ना किसी बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेंगे ही ना। ठीक है, तो वो आपका बेसिकली प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होता है। तो टाइफाइड जो है वो आपका सेल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, बैक्टीरिया है ये। ट्यूबरक्लोसिस आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। डिप्थीरिया जो है ये आपका कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। वूपिंग कफ ये हेमोफिलिस पर्टुसिस की वजह से होता है, और न्यूमोनिया जो है ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से होता है। सो अभी न्यूमोनिया जो था ये अभी न्यूज में भी था कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है ना, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी डेवलप की है, और उसको डीसीजीआई के द्वारा अप्रूवल भी दे दिया गया है ना, और WHO ने रिकमेंड भी किया है कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों के लिए उसमें न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है इसको आप इंक्लूड करिए, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से निमोनिया मेनिनजाइटिस इस तरह की डिजीजेस कॉज होती हैं। ठीक है, सिफिलिस जो है ये आपका ट्रेपोनोमा पैलिडियम के कारण होता है। ठीक है, सो ये मेजर आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं डिजीजेस। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग वायरस से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। सो वायरस के कारण आपके कौन से होते हैं, एड्स होता है। ठीक है, एड्स किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से होता है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इस वजह से आपका बेसिकली जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको अफेक्ट होता है ना। सो एड्स की फुल फॉर्म बताइए, कई बारी आपसे एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस, जल्दी से कमेंट करके बताइए एड्स की फुल फॉर्म। इजी है, जल्दी बताइए एड्स की फुल फॉर्म बताइए गाइस। जैस्मीन, सिमी, जल्दी से कमेंट करिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ओके, सिंड्रोम, दिस इज एड्स है ना। और HIV की फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो सिंपल सा फंडा है इसका कि इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो जो और डिजीज है वो आप पे अटैक करेंगे, तो यहाँ पे जो पर्सन की डेथ होती है वो मेजरली आपकी किस वजह से होती है, वो आपका HIV की वजह से नहीं होती। मेन कारण ये होता है कि इम्यून सिस्टम आपका कमजोर होने की वजह से आपको और डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे TB, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, और भी सारे डिजीज हो जाते हैं आपको, तो उसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन की डेथ होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए जाना इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज डेंगू जो है ये आपका वायरस की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो कैरियर होता है, डेंगू का कैरियर क्या होता है, जल्दी से बताइए, डेंगू किसकी वजह से फैलता है, कौन से मॉस्किटो कैरियर मॉस्किटो है यहाँ पे डेंगी का, मेनली ये एडिस इजिप्टी के कारण होता है। ठीक है, एडिस इजिप्टी जो है आपका ये मेन मॉस्किटो है जिसकी वजह से डेंगी जो है आपका ट्रांसमिट होता है। ओके, यस, नेक्स्ट इज पोलियो, पोलियो आपका पोलियो वायरस के कारण होता है, और इसके लिए वैक्सीन आपकी कौन सी है, या तो ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं या फिर इंजेक्टेबल आपका पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, देन चिकन पॉक्स की हम बात करें तो चिकन पॉक्स आपका ये भी एक वायरल डिजीज है। ठीक
ठीक है। अच्छा, चिकन पॉक्स की जो आपकी, चलिए बाद में डिस्कस करते हैं वैक्सीन्स के बारे में। मीजल्स की हम बात करें, मीजल्स जो है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि किसकी वजह से होता है, तो मीजल्स जो है वायरस की वजह से होता है, एक वायरल डिजीज होता है। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा बेसिकली आपका आई इन्फेक्शन होता है, ये भी एक वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस या फिर जॉइंटस, दिस इज ऑल्सो वायरस डिजीज। और मेनिनजाइटिस जो है, ये भी आपका एक वायरल डिजीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिजीज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस की वजह से क्या क्या डिजीज होते हैं, जैसे अस्थमा, ठीक है, एथलीट्स फुट, ये टीनिया पेडिस की वजह से होता है। रिंग वॉर्म हो जाते हैं, जो लाल लाल कलर के जो आपके स्किन पे जो है राउंड राउंड जो है धब्बे से पड़ जाते हैं, ठीक है। और स्कैबीज जो होता है, इसमें क्या होता है, आपके व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, ठीक है, स्किन पर व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। और रिंग वॉर्म में क्या होता है, आपका दांत जैसे होता है, तो वो आपका फंगस की वजह से होता है। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम बात कर लेते हैं कुछ वैक्सीन्स की। तो डीपीटी वैक्सीन जो है आपकी, ये किसके लिए है, ये आपका डिप्थीरिया, ठीक है, वैक्सीन से भी क्वेश्चन आता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है, ये इन तीनों के लिए डीपीटी वैक्सीन है। इसके अलावा बीसीजी वैक्सीन सुनी होगी आपने, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। और इसकी जो खोज थी, ये कैलमेट, इसको डेवलप किसने किया था, कैलमेट ग्यूरिन के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। सो कैलमेट ग्यूरिन ने इसको डेवलप किया था, इसका फुल फॉर्म ही है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए है ये। इसके अलावा ओपीवी जो है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये आपकी पोलियो के लिए है, ठीक है, दो बूंद जिंदगी की। इसके अलावा कुछ और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो आपके डिस्कवरीज हैं वो किसके द्वारा की गई हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो आपका विटामिन ए है, विटामिन बी है और विटामिन डी है, ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया है, मैककॉलम ने किया है, ठीक है। इसके अलावा आपका होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी ये किसके द्वारा डिस्कवर किया है, फादर ऑफ होम्योपैथी किसको कहते हैं, सैमुअल हैनहेमन, सैमुअल हैनहेमन, ठीक है, सैमुअल हैनहेमन को फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं। इन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी की थी, और एक इन्होंने प्रिंसिपल दिया था, लाइक क्योर लाइक, है ना, लाइक योर लाइक का इन्होंने प्रिंसिपल भी दिया था। और ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है एनटीपीसी में 2016 में, कि लाइक योर लाइक का जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सैमुअल हैनीमैन को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो डीएनए है, डीएनए का जो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये किसके द्वारा दिया गया, ये वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा चुका है ये, और ये पहले भी पूछा जा चुका था, ठीक है। इसके अलावा एंटीजन जो है, एंटीजन की खोज किसने की, एंटीजन और ब्लड ट्रांसफर की, ये खोज किसके द्वारा की गई है, ये कार्ल लेंस्टीनर के द्वारा की गई है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है, चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है, मुझे हो चुका है चिकन पॉक्स एक बारी, बहुत ही भयानक सा होता है, बिल्कुल सही बात है, किसी बच्चे ने कहा था मेकअप हो जाता है, तो अच्छे से मेकअप हो जाता है, ठीक है, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने आपका चिकन पॉक्स की वैक्सीन जो है ये डिस्कवर की थी, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लियोनहॉक, ठीक है, लियोनहॉक, लियोनहॉक के द्वारा जो है बैक्टीरिया की खोज की गई थी। इसके अलावा जो है यहाँ पे एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल था, ये किसके द्वारा दिया गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की जो बुक भी है, वो भी किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ये क्वेश्चन आया था ना, चार्ल्स डार्विन इनके द्वारा था ना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी गई थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। और इन्होंने ही कहा था, वो प्रिंसिपल दिया था आपका कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी किसके द्वारा दिया गया था प्रिंसिपल, ये भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था,
ठीक है, एवोल्यूशन थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। सो ये कुछ मेजर आपके डिस्कवरीज हैं जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और है आपका, ये आपको सबको पता ही है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, सो ये कुछ मेजर है, आगे चलते हैं। सो अब क्वेश्चंस की बारी आती है, फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? सेल्मोनेला, राइजोबियम, ई कोली एंड स्यूडोमोनाज। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि राइजोबियम। तो राइजोबियम जो आपका होता है बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होता है, और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग का क्या मतलब है? जो आपका जो एयर में, एटमोसफेयर में जो आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको आप अमोनिया में या फिर किसी नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और उसको सॉइल में फिक्स किया जाता है। ठीक है, सो ये राइजोबियम के थ्रू होता है। सो यस, नरसिम्हा जय राधव माधव, ये आपका एक आंसर करेक्ट है। जैस्मीन राइट, आपका भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज यूएचटी प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, मिल्क, पेट्रोल एंड वाटर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिल्क। राहुल बिल्कुल सही आंसर है। यूएचटी बेसिकली क्या है? ये आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो है प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो मिल्क को गर्म किया जाता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ताकि जो उसके बैक्टीरिया है उनको मार दिया जाए। ठीक है, सो इसे बेसिकली मिल्क स्टेरिलाइजेशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग हॉर्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय आपका थायरॉयड ग्लैंड? थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा इनमें से कौन सा जो हॉर्मोन है वो सेक्रेट नहीं किया जाता? थायरोक्सिन, कैल्सीटोनिन, ट्रायोडोथायरोनिन एंड थियामोसिन। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें सेक्रेट नहीं किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज थाइमोसिन। ठीक है, सो जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये कौन कौन सा सिक्रीट करता है? ये मेजर तो दो सिक्रीट करता है, थायरोडिन जो है ये आपका T3 हार्मोन होता है, और थायरोक्सिन को T4 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कैल्सीटोनिन जो है ये भी आपका थायरॉयड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। कैल्सीटोनिन जो होता है ये आपका रेगुलेट करता है लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन बॉडी। ठीक है, ब्लड में जो आपका कैल्शियम और फॉस्फेट का जो भी आपका लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है ब्लड में, कैल्सीटोनिन का काम होता है। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर राहुल, जैस्मिन और आपका आंसर इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज थाइमोसिन। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर आपका गलत भी हो जाता है कोई इशू नहीं है, मेन चीज है कि आपका एक्चुअल एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो फटाफट से हमारे पास आंसर आ रहे हैं। यस, जैस्मीन, राहुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वेट ग्लैंड्स जो है ये आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं किस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, जो आपकी ये ग्लैंड्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, बेसिकली दो टाइप के होते हैं ये। ठीक है, जैसे एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और एक एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड, आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम थायरॉयड ग्लैंड की बात कर रहे थे, तो थायरॉयड का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका थायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंसेस? इनमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन साइंसेस की स्टडी का पार्ट है? तो जल्दी से बताइए, ओरिंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इक्टियोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ये आपका ह्यूमन साइंसेस से रिलेटेड होता है, ओरिंटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। ठीक है, जो इक्टियोलॉजी होता है ये आपका फिशेस से रिलेटेड होता है, और जो कॉस्मेटोलॉजी होता है ये आपका जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है,
यस अनागा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. यस जैस्मीन, बिल्कुल करेक्ट है. एंथ्रोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा. उमेर राहुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से. यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिस्पोजिशन, अ नॉन जेनेटिक कंडीशन, अ लाइफस्टाइल डिजीज, या फिर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू लाइट. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए. कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सो कलर ब्लाइंडनेस क्या है जल्दी से बताइए. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ये एक जेनेटिक डिस्पोजिशन है. कलर ब्लाइंडनेस आपका बेसिकली क्या होता है? यस अनागा, राहुल, राधव, माधव, आपका भी आंसर करेक्ट है. यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस है, जेनेटिक डिस्पोजिशन है. इसमें क्या होता है कि कलर के बीच में डिफरेंसेस आप नहीं कर पाते हो, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस में होता है बेसिकली, ये आपका एक्स क्रोमोजोम की वजह से होता है. तो अगर आपका एक्स क्रोमोजोम अगर डिफेक्टेड है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है, तो उसी की वजह से अगर वो किसी अगर पेरेंट टू चाइल्ड में जो ट्रांसफर होने की संभावना है वो तभी होती है, ठीक है? तो वो जेनेटिक डिस्पोजिशन है. आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर इन बायोलॉजी? बायोलॉजी में डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डू नॉट एसिलरेट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड डिजाइन नेशनल अथॉरिटीज. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए. इजी है क्वेश्चन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म है, ठीक है? और जो डीएनए है ये आपका बेसिकली क्या होता है? ये एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है जिसमें आपका यूनिक जेनेटिक कोड होता है ना? आपका यूनिक जेनेटिक कोड होता है. तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो डीएनए के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्टोर की जाती है, ठीक है? क्योंकि वहां पे वो चीज आपका जो है वो यूनिक होता है हर एक का, ठीक है? और डीएनए की हेल्प से ही जो है रिलेशन पता चल सकता है आपको, या बॉडी की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है. कई बार डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन डीएनए के थ्रू ही की जाती है, ठीक है? सो यस उमेर, अनागा, जैस्मिन, राहुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? एंड जो आपका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? हम ये पहले भी अभी डिस्कस किया था हमने. सो ये जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये आपके मेजर चार यहाँ पे बेस पेयर्स हैं, है ना? ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से बेस पेयर होते हैं आपके, है ना? ओके, हु वॉज द फर्स्ट टू आइसोलेट डीएनए? सो यहाँ पर आपका कौन से यहाँ पे साइंटिस्ट था जिसने डीएनए को पहली बार आइसोलेट किया था? फ्रेडरिक मेशर, एल्ब्रेक्ट कॉसल, देन फोबस लेविन, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांस क्रिक. नो उमेर, अनागा, जैस्मिन, वॉटसन क्रिक इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा. पहले आइसोलेट किया गया था डीएनए फ्रेडरिक मेशर के बाद, उसके बाद जो है वॉटसन एंड क्रिक ने जो है यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसका आपको दिया था, ठीक है, मॉडल दिया था यहाँ पर. आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं. यस राधव माधव, आपका आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ स्टोन इन किडनी? किडनी में जो स्टोन बनते हैं आपके वो मेजरली किसकी वजह से होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम साइट्रेट. तो किस वजह से होते हैं जल्दी से बताइए. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट. कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है ये आपका किडनी में स्टोन का मेन कारण होता है. तो जैसे पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन होना, ठीक है, ओबेसिटी होना, कोई डाइजेस्टिव डिजीज होने की वजह से ये आपका किडनी स्टोन्स जो है आपके डेवलप होते हैं, ठीक है? और इसका मतलब फॉर्मेशन भी इसी वजह से होता है. जैसे आपका फूड है, फूड में आपके ऑक्सलेट ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे एक साथ जुड़ने लगते हैं और स्टोन फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए अच्छे से, ठीक है, और जो है आपका लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, बाहर की चीज़ें कम खाइए, ठीक है, जो जंक फूड है उसको कंजप्शन कम करिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे. ओके, इन ह्यूमन बॉडीज पैंक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ डैश. तो यस राहुल, उमीर, आपका आंसर करेक्ट है. राधव माधव, यस करेक्ट आंसर है. ये किसका पार्ट है? पैंक्रियाज, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? तो ये आपकी लोकेशन है पैंक्रियाज की, ठीक है?
ये आपका एब्डोमन में है, अपर एब्डोमन में ये लोकेटेड होता है स्टमक के पीछे, ठीक है। और ये आपका फिर जाकर किससे कनेक्ट होता है, ड्यूडोनम से ये आपका कनेक्ट होता है, ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अनागा बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, जैस्मिन करेक्ट आंसर, ओके, यस राहुल करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके जो वहां पे एंजाइम्स हैं वो सेक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सलाइवा है, ठीक है, तो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा जूस सेक्रीट किया जाता है। इसमें आपका एमाइलेज जो आपका एंजाइम होता है ये आपका स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका स्टेप आता है स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में आपके जो कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पेप्सिन जो है यहाँ पे आपका रिलीज होता है। सो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, ठीक है। इसके अलावा आपका रेनिन भी जो है स्टमक में रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, स्टमक में एसिड कौन सा प्रोड्यूस होता है, एचसीएल एसिड प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा रेनिन जो होता है ये आपका केसिन को कन्वर्ट करता है कैल्शियम कैल्शियम पारकेसिन में, ठीक है, कैल्शियम पारकेसिन में ये कन्वर्ट करता है। इसके अलावा फिर आती है पेनक्रियास की बारी। तो पेनक्रियाटिक जूस जो है ये पेनक्रियास में रिलीज होता है। कौन कौन से एंजाइम्स में रिलीज होते हैं, सबसे पहले होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, ओके। आकाश आई विल ट्राई टू राइट थोड़ा बड़ा कि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो जो ट्रिप्सिन है ये आपका प्रोटीन को, ठीक है, ये प्रोटीन को आपका पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आई होप ये साइज ठीक है, ठीक है। देखो HCl आपका आकाश ये एक एसिड है, तो HCl का pH जो है वो ऑफ कोर्स आपका 7 से कम ही होगा, है ना। सो HCl का जो आपका pH होता है वो आपको मैं एग्जैक्ट अभी बताती हूँ। HCl का जो आपका pH होता है ये आपका 3 होता है, 3.01 के आसपास ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन की हम बात कर रहे थे, आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक अमाइलेज जो है एंजाइम सेक्रीट होता है। अमाइलेज जो है ये आपका स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, ठीक है। देन आपका जो इसके अलावा एक और सेक्रीट होता है यहाँ पे एंजाइम, दैट इज लाइपेज। तो लाइपेज आपका फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से, 2 सेकेंड में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे मूव करती हूँ, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। और इसके अलावा आपका जो बाइल जूस है वो भी मैं बता देती हूँ। बाइल जूस आपका कौन सेक्रीट करता है, बाइल जूस आपका लिवर में सेक्रीट होता है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। सो इंटेस्टाइन में आपका कौन कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है। सो एक होता है एरेप्सिन। आकाश आई होप अभी जो साइज है टेक्स्ट का वो सही आ रहा होगा। सो एरेप्सिन जो है ये आपका प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, ठीक है। देन इसके अलावा माल्टेज यहां पर रिलीज होता है। माल्टेज आपका माल्टोज को ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका लैक्टेज है। लैक्टेज आपका लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। देन आपका सुक्रेज है। सुक्रेज आपका सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। एंड देन आपका जो लाइपेज है ये आपका कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, ठीक है। लाइपेज का काम वही है, पेप्टाइड्स
में भी वही काम करता है और आपका इंटेस्टाइन में भी वही काम करता है कि फैट को आपका फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इजेंट अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इनमें से कौन सा वाटर पोल्यूशन का स्रोत नहीं है? ओशियन डंपिंग, डोमेस्टिक वेस्ट, फिशिंग इन सी एंड ऑयल स्पिल। तो कौन सा यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है? इजी क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज जो फिशिंग इन सी। ठीक है, तो ये आपका वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता। ओशन में आप कोई भी वेस्ट डालेंगे, डोमेस्टिक वेस्ट फ्लो करके जाएगा, इंडस्ट्री से वेस्ट जाएगा, देन आपका जो एग्रीकल्चर से रन ऑफ जाता है, आप पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, फिर बारिश की पानी की वजह से वो पूरा फ्लो होके जाता है रिवर्स वगैरह में, तो उसकी वजह से आपका वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। ऑयल स्पिल यानी कि जो आपके समुद्र है वहां पे जो तेल का रिसाव होता है, वो आपका जो ऑयल स्पिल होता है उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। यस अनागा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा जो आपका सेल ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आरबीसी, लिवर सेल्स, मसल सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। ठीक है, ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये आपका एक सेल ऑर्गेनली है, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और ये आपका जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये एटीपी की फॉर्म में करता है, जिसकी फुल फॉर्म है क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। ओके यस जासमीन, आरबीसी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और के आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लिवर सेल्स और मसल सेल्स जो होती हैं इनमें बहुत सारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी आर प्रेजेंट इन डैश लिम्स, ब्रेन, हार्ट और टंग। इनवॉलेंट्री मसल्स आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताइए, इनवॉलेंट्री मसल्स आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? देखिए आरबीसीज में अनागा, जो आपके आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं होता ताकि जो ऑक्सीजन है वो आपकी ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज नहीं होती आरबीसी में, इट इज एब्सेंट, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती, और जो आपकी ऑक्सीजन होती है ये आपकी सारे टारगेटेड एरियाज में जो है पहुंचाई जाती है, और आरबीसी में बहुत सारे आपके नहीं होते। देखिए यहाँ पे मेन काम क्या है आरबीसी का, कि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको स्पेस देना है ना, ताकि जो आयरन की कमी है वो ना हो। तो आपके बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज है ना वो आपके आरबीसी में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। जैसे आपका न्यूक्लियस नहीं होता, मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देन आपका गोल्जी अपैरेटस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ठीक है, तो ये सब वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सो इनवॉलेंट्री मसल्स का क्या क्या करेक्ट आंसर होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज हार्ट। सो जो आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं ये आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और जो आपकी स्टमक के जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनर लाइनिंग में जो प्रेजेंट होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री होती हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, वो आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग जीका वायरस इज स्प्रेड। जीका वायरस जो है ये आपका किसकी वजह से स्प्रेड होता है? तो रैट, मॉस्किटो, क्रिकेट एंड रैबिट। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जीका वायरस किसकी वजह से स्प्रेड होता है। इजी है क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। जीका वायरस कितनी बार तो हमने न्यूज में पढ़ा ही है। सो मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज मीजल्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग। मीजल्स जो है किसकी वजह से होता है?
सो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइस, अभी हमने सारा पढ़ा था। सो जल्दी से बताइए मीजल्स किसकी वजह से होता है गाइस, कमेंट करते रहिए। अच्छा, जीका वायरस जो है बेसिकली उसमें जो एडिस मॉस्किटो होता है वो स्प्रेड करता है, जिसमें आपका इजिप्टी शामिल होता है, एल्बो पिक्टस होता है। ठीक है, बेसिकली अगर मेजर पूछा जाए तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की वजह से जीका वायरस आपका स्प्रेड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताने वाला है, मीजल्स आपका किस वजह से होता है? यस अनागा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, वायरस की वजह से ये स्प्रेड होता है। ठीक है, मीजल्स आपका। ओके, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? देखिए, प्लांट्स में आपका एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो आपका मेजर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, 1 ppm से ज्यादा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट को, लेस देन 1 ppm। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बोरॉन, कॉपर, आयरन एंड नाइट्रोजन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज नाइट्रोजन। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, ये आपके कौन से होते हैं? आयरन, मैंगनीज, ठीक है, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मॉलिबेडनम एंड क्लोरीन। ठीक है, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट्स के लिए। मैक्रो कौन से होते हैं? मैक्रो यानी कि जो 1 ppm से ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। सो इसमें आपका नाइट्रोजन, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, इसके अलावा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड देन आपका इसके अलावा और कौन सा होता है? सल्फर। ठीक है, ये सभी आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ओके, यस अनागा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। यस आकाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन जो है ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। चलिए, अब ये देख लिया आपने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, वो भी आपका इसी से रिलेटेड है, ये आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, सो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन प्लांट्स? कौन सा इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर, बोरोन एंड मैग्नीशियम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 5, 2, 4 एंड 5। सो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस, कमेंट करते रहिए, जल्दी से आंसर्स बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कल की जो हमारी क्लास होगी ये हमारी होगी आपकी ब्रांड एम्बेसडर्स पे 12 बजे, तो उसको भी आप जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन बताने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आपके 2, 3 एंड 4 है ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और नाइट्रोजन और जो मैग्नीशियम है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है राहुल, ध्यान से पढ़िए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। सो ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट कौन करता है? बोन्स, पैराथायरॉयड हार्मोन, मसल्स एंड लिवर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इजी है गाइस, अभी हमने डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये आपका ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे अकर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। तो कहां पर आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जल्दी से बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर टेक प्लेस करता है, कौन से सेल ऑर्गेनेल में होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम में होता है। ओके, सो राइबोसोम जो है यहां पर आपका बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी न्यूक्लियस से राइबोसोम में ट्रांसफर होती है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आपके आरएनए का सिंथेसिस होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स कहते हैं, है ना, सुसाइड बैग्स कहा जाता है इनको, लाइसोसोम्स को।
ओके आगे चलते हैं। आकाश आपका आंसर इनकरेक्ट है, अनागा उमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड, इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो ग्लैंड नहीं है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन मुझे और बताइएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है इसमें कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है, और इन जो आपका एडल्ट होता है इसमें कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए। सो इनमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है ये कौन बताएगा, इनमें से कौन सा जो है वो आपका ग्लैंड नहीं है। जल्दी से बताइए। एड्रेनल, एड्रेनल लिवर पिट्यूटरी एंड गैल ब्लेडर। गाइस जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी बताइए भाई, आंसर्स नहीं आ रहे। यस चलिए बोन्स का बताइए इतने कितने होते हैं न्यूबॉर्न बेबी में, 300 से ऊपर होती हैं, 306 कहीं पे, 303 कहीं पे, 300 दिया होता है, ठीक है। और एडल्ट में कितनी होती है, 206 होती है, बिल्कुल सही है उमेर मजीद, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहा है कि इनमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए गाइस, जल्दी से कमेंट करिए इनमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है। एड्रिनल लिवर पिट्यूटरी लिवर जो है आपका ये ग्लैंड है, पिट्यूटरी भी आपका ग्लैंड है, एड्रिनल भी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, दैट इज गैल ब्लैडर, ठीक है, गैल ब्लैडर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनेमिक कंडीशन इज ड्यू टू डैश, एनेमिक कंडीशन जो है ये आपकी किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो आपका किसकी वजह से होता है एनेमिक कंडीशन, किसकी कमी की वजह से होता है, ये साकाश करेक्ट आंसर है, ये आपका डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी में आपकी हीमोग्लोबिन होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, और उसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो एनेमिक हो जाएंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट, इनमें से कौन सा जो है आपका बायोटिक कॉम्पोनेंट है ये आपको बताना है। सो जल्दी से बताइए, प्लांट एयर सॉइल एंड रॉक्स। तो आपको ये तो पता ही होगा कि एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एक अबायोटिक कंपोनेंट होता है, जो आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो आपके लिविंग कंपोनेंट होते हैं, और जो आपके अबायोटिक कंपोनेंट हैं वो आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज प्लांट्स, क्योंकि प्लांट आपके लिविंग कंपोनेंट है, प्लांट एनिमल ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे एयर वाटर सॉइल रॉक्स, ये सभी आपके अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट की जो लीव्स होती है इससे जब पानी का लॉस होता है इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन एंड सब्लिमेशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन है ना। सो जल्दी से बताइए, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, ये आपका लॉस ऑफ वाटर होता है, इसमें आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है, ये बेसिकली आपका सरफेस प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन जो होता है ये आपका सरफेस से जो आपका लिक्विड है वो आपका गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में आपका कन्वर्ट होता है, ये है ना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांसपिरेशन, यस अनागा उमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, बेसिकली आपका जो फूड होता है जब वो लीव से सारे प्लांट्स के पार्ट में फूड ट्रांसफर होता है, फूड ट्रांसफर जो आपका होता है फ्रॉम आपका लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना, तो ये आपका ट्रांसलोकेशन होता है। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, सिंपल है, सब्लिमेशन आपका बेसिकली क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में एंटर किए हुए, तो सब्लिमेशन होता है, ठीक है, जैसे आपका कैम्फर है ना, या फिर आयोडीन, ये सभी सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से गाइस कमेंट करते रहिए।
नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. इनमें से कौन सा एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है? न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन. सो कौन सा इसमें से एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, जल्दी से बताइए. इजी क्वेश्चन है बहुत. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सेल वॉल. ठीक है, और सेल वॉल जो होता है ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसके अलावा जो सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम आपका किस में प्रेजेंट होता है? ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. इसके अलावा प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स ये आपके किसे प्रेजेंट होते हैं? ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, सेल वॉल क्या है? जो आपका जो आउटर लेयर होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है. ठीक है, प्लांट सेल में वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है, लेकिन आपका एनिमल सेल में नहीं होती है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास आ चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन. सो बिल्कुल सही आंसर है अनागा आकाश, आरबीसी का करेक्ट आंसर होगा. रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ये आपकी कहां फॉर्म होती हैं, जल्दी से बताइए. रेड ब्लड सेल्स जो है ये आपकी कहां फॉर्म होती हैं? सो ये आपकी बोन मैरो में फॉर्म होती हैं. और इनका लाइफ स्पेन कितना होता है? इनका लाइफ स्पेन होता है 120 दिन का. ठीक है, जो आकाश आप बता रहे थे, लाइफ स्पेन इसका 120 डेज का होता है. ठीक है, ओके. एग्जाम क्रैक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेलो एग्जाम क्रैक. ओके, तो ये बोन मैरो में फॉर्म होता है. ठीक है, चलिए. अच्छा, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. ठीक है, सो आपने एक चीज देखी होगी कि जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल जिनकी होती है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो आरबीसीज होती हैं उनकी नॉर्मल शेप से जो है, जैसे नॉर्मल शेप ऐसी होती है आरबीसीज की, और सिकल सेल में वो ऐसी शेप हो जाती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ढंग से ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है ना, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो जाती है. तो जिनको भी सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है, या फिर थैलेसीमिया जिसको बोलते हैं, सो उसमें क्या होता है, आरबीसी का जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, आरबीसी की शेप डिफॉर्म हो जाती है और हीमोग्लोबिन जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, बेसिकली कैरियर होता है हीमोग्लोबिन, तो वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है. ठीक है, ओके. सो ये जो आपका हीमोग्लोबिन, अच्छा इसमें कंडीशन होती है, जैसे कि आप जब मान लीजिए ऐसे रूम में है जहां पे कार्बन मोनोक्साइड बढ़ गया है या फिर कहीं आग लगी है. ठीक है, तो जब आग लगती है तो कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो आपके ये उस आग में फंस जाते हैं, तो क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है. और हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी एफिनिटी जो होती है, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है कार्बन मोनोक्साइड के साथ, बहुत ज्यादा तगड़ी होती है. सो हीमोग्लोबिन जो है ये आपका कार्बन मोनोक्साइड के साथ कंबाइन कर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है बॉडी में, और इंसान जो है बेहोश हो जाता है और वो मर भी सकता है. ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है. ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कार्बन मोनोक्साइड CO. राइट आकाश, आगे चलते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है? प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बैक्टीरिया. एग्जाम क्रैक, डोंट वरी. जो हमारी नेक्स्ट क्लास है कल, जो हमारी 12 बजे होगी, इसमें हम ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में कराएंगे एंड नेक्स्ट हम कंप्यूटर एब्रीवेशन कराएंगे. ठीक है, ओके. सो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये आपकी बैक्टीरिया है. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस. ठीक है, ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. ठीक है, यूजुअली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि एक सेल वाले जो है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, आर्किया है. और दूसरा यहाँ पर टर्म होता है यूकैरियोटिक. ठीक है, यूकैरियोटिक कौन सी होती है? जिनमें न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ठीक है, जैसे कि आपका प्लांट्स, फंगाई, इंसेक्ट्स, ये सभी जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है. इनमें प्रॉपर एक सेल होती है, सेल में मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. ऐसी सेल जो होती है वो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है. ठीक है, एग्जाम क्रैक, वेरी गुड.
ठीक है, सही आंसर है जैस्मिन, आकाश, राहुल, उमेर, बिल्कुल सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बताइए। काला अजहर जो है किसके कारण कॉज होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगाई? सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। काला अजहर किसकी वजह से होता है, मैंने अभी आपको बताया था और मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सो काला अजहर जो होता है ये आपका प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होता है, ठीक है। ये लेशमेनिया जो आपका जीनस होता है उसकी वजह से कॉज होता है, और इसको ट्रांसफर कौन करता है, सैंड फ्लाइज जो होती हैं ये इसको कैरियर होती हैं, ये ट्रांसमिट करती हैं इसको, ठीक है, इसकी वजह से स्प्रेड होता है, ठीक है। और जीनस कौन सा होता है प्रोटोजोआ का, पैरासाइट कौन सा होता है, ये लेशमेनिया, ठीक है। सो इसमें आपका क्या होता है, फीवर होता है, वेट लॉस हो जाता है, जो आपके स्प्लीन और लिवर है उस पर सूजन आ जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो ये सभी इसके जो है मेन है। यस आकाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज फिलियारिसिस जो है ये किसकी वजह से होता है, किस माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से फिलियारिसिस होता है, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी एंड नीमाटोड? तो जल्दी से बताइए किसकी वजह से होता है। फिलियारिसिस को आपको याद होगा तो एलिफेंटियासिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, एलिफेंटियासिस या फिर एलिफेंट फीट, क्योंकि इसमें बीमारी में क्या होता है कि जो पैर होता है ये एकदम जैसे हाथी का पैर होता है ना उसकी तरह सूज जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, नीमाटोड? तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नीमाटोड की वजह से होता है, और इसको लिम्फेटिक फिलियारिसिस भी कहते हैं, और ये एक ट्रॉपिकल डिजीज है, ज्यादातर जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में जो लाई करते हैं, इक्वेटर के पास वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर ये लाई करते हैं। आकाश, जैस्मिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वहां पर ये उसकी वजह से होता है, तो नीमाटोड फैमिली की वजह से बेसिकली होता है। तीन टाइप के आपके फिलेरिया होते हैं, ठीक है, व्यूशीरिया, बैनक्रॉफ्टी, ब्रुगिया शामी और ब्रुगिया तिमोरी। तो बेसिकली नीमाटोड फैमिली की वजह से ये होता है, ठीक है, हाथी पांव। यस आकाश, एग्जाम फोड़ो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, वेरी गुड। ऐसे ही गाइस कमेंट करती रहिए, एंगेज करिए और अच्छे से पढ़िए, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा फिर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन लिवर, इनमें से कौन सा विटामिन जो होता है वो ह्यूमन के लिवर में सिंथेसाइज होता है, जल्दी से बताइए। बी, ए, सी और डी, कौन सा विटामिन है जो आपका ह्यूमन लिवर में सिंथेसाइज होता है? सो कौन सा होता है इसमें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो होता है जिसका जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, ठीक है, ये आपका ह्यूमन लिवर में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। विटामिन ए के बहुत सारे फंक्शन होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में, आईसाइट के लिए काफी अच्छा होता है, तो देखिए आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो विटामिन ए की जो है आप जो भी सोर्सेस है वेरियस सोर्सेस उनको आप लीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आजकल तो जो भी चीज से इम्यूनिटी बढ़ती है उसको हम लेते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस ऐसा चल रहा है, राइट। अच्छा हाँ, चलो कोरोना वायरस की बात चली है तो अब ये भी आपका बायोलॉजी से ही रिलेटेड हो गया है ना। सो कोविड-19 ये आपका डिजीज का नाम है, ठीक है, कोरोना इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस, ठीक है, डिजीज, और 2019 में क्योंकि डिस्कवर हुआ था तो 2019 वहां से लिया गया। सार्स कोव टू ये इसका वायरस का नाम है, ठीक है, तो ये आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। ओके, यस जैस्मिन, राहुल, एग्जाम क्रैक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग डिटरमिन्स द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन, ह्यूमन की स्किन का जो कलर है ये किसकी वजह से होता है, सेरोटोनिन, मेलानिन, केराटिन एंड कैप्सियसिन? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए, किसकी वजह से होता है, इजी है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मेलानिन, ठीक है। तो मेलानिन जो है ये आपका ह्यूमन की स्किन का कलर डिटरमिन करता है, तो जिनमें ज्यादा पिगमेंट होता है, मेलानिन ज्यादा प्रेजेंट होता है, उनका स्किन का कलर उतना टोन जो है वो डार्क होता है, और जिनमें कम होता है उनका उतना टोन कम होता है। सो जैस्मिन, आकाश, राहुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेलानिन होगा। सेरोटोनिन जो है ये आपका एक मोनोअमीन न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये आपका ब्रेन में ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाता है, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक
ठीक है, ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है। और इसके अलावा केराटिन जो है ये आपका प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, केराटिन एक प्रोटीन है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका जो आपकी हेयर होते हैं, ठीक है, आपकी जो स्किन होती है, जो आपके नेल्स होते हैं, इन सब में ये पाया जाता है। इसी प्रोटीन की वजह से ये आपके शाइन करते हैं, मजबूत होता है। और कुछ आपकी इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स में भी केराटिन पाया जाता है। तो जैसे लड़कियों को ज्यादा पता होगा, जैसे वो केराटिन कराती है बालों में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बालों में शाइन आती है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? तो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसको कहते हैं? थाइमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एंड लैक्रिमल ग्लैंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है। उमेर, आकाश, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये आपका मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है, क्योंकि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हाइपोथैलेमस के पास जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक मटर का दाना होता है ना, उसकी जितना इसका साइज होता है, ठीक है, मटर के दाने जितना इसका साइज होता है। और हमारी जो ग्रोथ कंट्रोल करने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो सभी इसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शन है उसको ये करता है रेगुलेट। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटैटो। पोटैटो इज अ डैश रूट, स्टेम, फ्लावर या फिर लीफ। तो पोटैटो क्या है? एक रूट है, एक स्टेम है, एक फ्लावर है या फिर एक लीफ है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो पोटैटो क्या है? एक जल्दी से बताइए क्या है पोटैटो। सो पोटैटो आपका एक रूट है, ठीक है, नहीं जो पोटैटो है वो आपका एक रूट है, और इसको जो है आपका इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो आपका स्टेम होता है, ठीक है। इसको ट्यूबर भी कहते हैं। और देखिए जो आपका कैरेट है जैसे, ठीक है, वो एक रूट होता है, रेडिश है वो भी आपका एक रूट होता है, टर्निप होता है वो भी आपका एक रूट होता है ना। तो ये इस तरह से आपको पता होने चाहिए कौन कौन से क्या होते हैं, ठीक है। देन आपका जो शुगर केन होता है वो आपका स्टेम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ डैश, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ओनली मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन एंड मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव एट ऑल। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। डिफ्यूजन के प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स आपके कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं। सो आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, ये आपका हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो आपके सॉलिड, लिक्विड या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूव करते हैं। आकाश, उमेर, जैस्मिन, राहुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वही जो आपका ऑस्मोसिस होता है उसमें केवल जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफ्यूजन में तो क्या होता है कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सभी के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, केवल जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूव करते हैं। सॉल्वेंट बेसिकली क्या है आपका? वाटर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपका मूव करते हैं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का एक टाइप है, ठीक है। ओके, यस, एग्जाम क्रैक, सही आंसर है आपका, राइट, यस आकाश, आपने सबसे पहले बताया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इनमें से कौन सा जो है वो आपका नेचुरल मेथड नहीं है? राइजोम, बडिंग, बल्ब या फिर ट्यूबर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
गाइस जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस आकाश, आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे, टीचर ने आपको करवाया होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, उसमें यही हुआ था आपका। उन्होंने ग्रेप्स को बोला था, उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमने स्टडी किया था, किशमिश में भी किया था अलग से। ठीक है, ओके। सो यस जैस्मिन करेक्ट आंसर है, बडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बडिंग आपका ईस्ट में होता है। ठीक है, ये आपका जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन ईस्ट। राइजोम बल्ब और जो ट्यूबर है, ठीक है, राइजोम, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स हैं। ठीक है, सो जो आपके पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनसे एक नया प्लांट जो है बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे गन्ना होता है, ठीक है, अगर आपको गन्ने की खेती का पता होगा, तो गन्ने में क्या करते हैं कि जो गन्ना जो होता है उसको काट कर उसको बोया जाता है। ठीक है, तो स्टेम से वहां पर गन्ने से आपका दूसरा गन्ना वहां से उगता है ना। इसी तरह से जो आपने रोज प्लांट देखा होगा, ठीक है, रोज में भी क्या होता है कि आपकी जो स्टेम होती है उसको काट कर लगा दिया जाता है, तो वहां पे रोज प्लांट आपका उग जाता है। ठीक है, तो राइजोम जो है ये आपका यूज किया जाता है बैम्बू में। ठीक है, ये बैम्बू के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो बल्ब होता है ये आपका जो है अनियन और गार्लिक। ठीक है, ये नेचुरल मेथड है अनियन और गार्लिक के लिए बल्ब। और ट्यूबर जो है ये आपका किसके लिए, पोटैटो के लिए। ठीक है, और जो बडिंग होता है ये आपका मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा, इन सब में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। ब्लड प्लेटलेट्स जो है आपकी बोन मैरो में प्रोड्यूस नहीं होती है। मेच्योर आरबीसीज जो होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये आपकी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। गाइस जल्दी से बताइए। यस जैस्मिन, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा हाँ, मैंने पीछे गलती से बोल दिया था ना कि मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, तो आरबीसीज में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है, गोल्जी अपैरेटस नहीं होता है, बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनलीज नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि बोन मैरो में आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और जो आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स अगर बॉडी में कम हो जाएंगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। मेच्योर आरबीसीज जो होती है ये इनमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वही रीजन है। देखिए पहले भी जो मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो भी सारी चीजें हैं वो काफी एब्सेंट इसीलिए होती है आरबीसी में, ताकि हीमोग्लोबिन को स्पेस मिल जाए ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। ठीक है, और उसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके WBCs होते हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। सो ये आपका क्या करता है, ये आपका बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करता है, जर्म से प्रोटेक्ट करता है, और ये जो होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और जो आपकी WBCs होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स जिनको कहते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस WBC को ही ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो WBC बिल्कुल आपको डिजीज से बचाता है। ठीक है, जय राधव माधव, आई थिंक आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कौन सा बॉडी का पार्ट रेगुलेट करता है, ये भी हमने पढ़ा था पीछे। सेरेब्रम, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड सेरिबेलम। जल्दी से कमेंट करके बताइए बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो जो आपका सेरेब्रम है, ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ठीक है, आपकी ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो सेरेब्रम होता है। ठीक है, तो जो आपका विजन जो आप देख पाते हैं, ठीक है, आपका जो हियरिंग का फंक्शन होता है, सुनने का, ठीक है, बोलने का, सोचने का, समझने का, ठीक है, रीजनिंग का, ये सभी फंक्शंस किसके द्वारा की जाते हैं, सेरेब्रम के द्वारा की जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये आपका मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका जो है कई हार्मोन सिक्रीट करता है, ये बेसिकली आपका
ग्रोथ को प्रमोट करता है बॉडी में, ठीक है, इट प्रमोट्स ग्रोथ। हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपका रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, राइट ठीक है। इसके अलावा ये आपका ब्लड प्रेशर, इमोशन, थर्स्ट, हंगर, स्लीप, इन सभी को ये रेगुलेट करता है। सेरिबेलम जो होता है ये आपके मसल मूवमेंट को, मसल मूवमेंट को ये आपका जो है कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो आप जब देखते हैं कि जैसे अगर किसी को आपने देखा हो कि जिसने अल्कोहल कंज्यूम किया है और वो बंदा अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाता है, ठीक है, जो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, क्योंकि जो सेरेबेलम वाला जो पार्ट है आपका वो आपका सुन्न पड़ जाता है, ठीक है, और सुन्न पड़ने की वजह से क्या होता है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तो जो आपका बॉडी का पोस्चर है वो मेंटेन नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं बन पाता है, मसल मूवमेंट कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है, ठीक है, इसीलिए वो लोग झूम के चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड? तो बेसिकली आपका ब्लाइंडनेस का जो मेजर कॉज होता है वो कौन सा होता है, वो आपका कैटरैक्ट, मायोपिया, ग्लूकोमा या फिर विटामिन ए डिफिशियंसी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या मेजर कॉज है ब्लाइंडनेस का वर्ल्ड वाइड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से मेजरली जो है ब्लाइंडनेस देखी गई है वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन में, और इससे एक सीरियस आई प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, विच इज कॉल्ड जेरोथेलमिया, ठीक है, कौन सी है ये, जेरोथेलमिया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जेरोथेलमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, विजन कम होता चला जाता है और फिर जो है बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो ये न्यूज में था, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस राहुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, और जय राधव माधव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उमेर मजीद, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स कॉज सीड्स टू जर्मिनेट? तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका प्लांट का हार्मोन है जिसकी वजह से जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होती हैं? इथाइलिन, साइटोकाइनिंस, ऑक्सिन एंड गिबरेलिन। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज गिबरेलिन। यस राधव माधव, गाजर का जूस बिल्कुल बढ़िया है, आंवला जो है वो आपकी आईज के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को ये पूरा करता है। सो ये जो आपका प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से जर्मिनेशन होता है, गिबरेलिन है, ठीक है, ये आपके वेजिटेटिव ग्रोथ को एक्टिवेट करता है, और इसके अलावा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये सभी भी प्लांट हार्मोन्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। Which of the following disease are caused due to an infection spread by Aedes aegypti mosquito? तो Aedes aegypti mosquito की वजह से इनमें से कौन सा जो है disease spread होता है, ठीक है, हमने अभी discuss भी किया था, malaria, chikungunya, yellow fever and dengue। तो क्या होगा इसका correct answer? 2, 3 and 4, 1 and 3 only, 1, 2, 3 and 4, 2 and 4। तो बताइए Aedes aegypti mosquito की वजह से कौन सा disease spread होता है, जल्दी से बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 2, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। सो यहां पर जो आपका